दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैथ ट्रिक्स में। और अपने आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। और टाइम एंड वर्क में इस तरह के प्रश्न में दिया होगा कि किसी कार्य को इतने आदमी, इतनी औरतें तथा इतने बच्चे इतने दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इतने आदमी, उतनी औरतें तथा कितने बच्चे कुछ दिया होगा, उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। क्वेश्चन यहाँ दिया है हमें कि चार आदमी किसी काम को छः दिन में कर सकते हैं, जबकि तीन औरतें उसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी और दो औरतें उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। आदमी मतलब मेंस, यानी एम से इसे प्रदर्शित कर लीजिए, और औरतें मतलब वोमेंस, यानी डब्लू से इसे प्रदर्शित कर लीजिए। प्रश्न में दिया है कि चार आदमी किसी काम को छः दिन में कर सकते हैं। चार आदमी किसी कार्य को छः दिन में कर सकते हैं। चार आदमी किसी कार्य को छः दिन में कर सकते हैं, जबकि तीन औरतें उसी कार्य को, मतलब कार्य दोनों बराबर रहेंगे, उसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। चार आदमी 6 दिन में कर सकते हैं और तीन औरतें 16 दिन में उसी कार्य को कर सकती हैं। कार्य दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर रखा जाएगा। तो यहाँ से तो हम पहले आदमी और औरत की कैपेसिटी ज्ञात करेंगे कि एक आदमी का कार्य करने की कैपेसिटी औरत की कैपेसिटी के कितने गुनी है। तो इसमें देखिए, भाग कर लिए, 3 से 6 को भागा जाएगा 2 बार और 4 से 16 को भागा जाएगा 4 बार, ये आ जाएगा 2m बराबर 4w, 2 से फिर भागा जाएगा m बराबर 2w। तो इसमें m का गुणांक 1 है, w का गुणांक 2 है, तो 1 और 2 का अगर लघुत्तम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 से 2 को 2 बार भाग आएगी और 2 से 1 को 1 बार भाग आएगी। यानी औरत की कैपेसिटी यदि 1 यूनिट है तो आदमी की कैपेसिटी 2 यूनिट होगी। औरत की कैपेसिटी यदि 1 यूनिट है तो आदमी की कैपेसिटी उसकी 2 गुनी यानी 2 यूनिट होगी। पहले तो कुल कार्य आप देख लीजिए कितना है। कुल कार्य कहा था कि चार आदमी उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। चार आदमी किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। 4 गुना आदमी की जो कैपेसिटी है वो 2 यूनिट है, और गुना कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में, 4 × 2 = 8 और 8 × 6 = 48। 48 यूनिट कुल कार्य है। चाहे तो m का मान इसमें रख लीजिए, m की का प्रतिदिन का कार्य 2 यूनिट है, तो 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48। या औरत का जो कार्य है वो 1 यूनिट प्रतिदिन है, 1 चाहे यहाँ रख लीजिए, 3 × 1 × 16, 3 × 3 और 16 × 3 = 48, तब भी 48 यूनिट कुल कार्य आएगा। ये तो हो गया कुल कार्य। और प्रश्न में पूछा है कि एक आदमी और दो औरतें, यानी एक आदमी और दो औरतों को 1 दिन का कार्य है, एक आदमी प्लस दो औरतों का 1 दिन का कार्य, 1 × आदमी की यूनिट है 2 प्रतिदिन, प्लस कार्य को जो कर रहे हैं एक आदमी और दो औरतें कर रही हैं, तो 1 × आदमी की कैपेसिटी 2 यूनिट है, प्लस 2 × औरत की कैपेसिटी 1 यूनिट है। तो 2 × 2 प्लस 2 × 2, 2 × 2 = 4 यूनिट एक दिन का कार्य उनका हो जाएगा। एक आदमी और दो औरतों का 1 दिन का कार्य 4 यूनिट हो जाएगा। तो कुल कार्य 48 यूनिट है, एक आदमी और दो औरतें 1 दिन में 4 यूनिट कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, ये पूछा गया है प्रश्न में कि एक आदमी और दो औरतें उसी काम को कितने दिन में। एक आदमी और दो औरतें 1 दिन में तो करती हैं 4 यूनिट, और कुल कार्य है 48 यूनिट हमारा। 48 यूनिट कार्य में से अगर 1 दिन में 4 यूनिट कार्य हो जाए तो 12 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा एक आदमी और दो औरतों के द्वारा। एक और प्रश्न हमें यहाँ दिया गया है कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं, तथा 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करो कि एक आदमी और दो बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। पहले तो कहा गया कि दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो आदमी मतलब एम, मैन से प्रदर्शित कर लीजिए, औरत वोमेन यानी W से प्रदर्शित कर लीजिए, और बच्चे यानी चाइल्ड
सी से उसको प्रदर्शित कर लीजिए। प्रश्न में दिया है कि दो आदमी किसी काम को तीन दिन में करते हैं, दो आदमी काम को करते हैं तीन दिन में, दो आदमी किसी काम को तीन दिन में करते हैं, जबकि तीन औरतें उसी काम को चार दिन में करती हैं। तीन औरतें उसी काम को, काम दोनों बराबर हैं, तीन औरतें उसी काम को चार दिन में कर सकती हैं, तथा चार बच्चे उसी काम को छः दिन में पूरा कर सकते हैं, चार बच्चे उसी काम को छः दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनके यूनिट का अनुपात निकाल लीजिए कि एक आदमी, औरत और बच्चे एक एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं। दो तिया छः हो जाएगा और तीन चौक बारह, चार छः चौबीस, तो दो तिया छः, छः से भाग आ जाएगा, छः से इसको भाग करेंगे यहाँ तो एम रह जाएगा, छः से इसको भाग करेंगे, तीन चौक बारह डब्लू था और छः से भाग करेंगे तो दो डब्लू आ जाएगा, और छः से इसको भाग करेंगे तो चार सी रह जाएगा। अब इसका गुणांक एक इकाई है, इसका दो और इसका चार, एक दो और चार का आप अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम चार आ जाएगा, एक का दो का और चार का एलसीएम चार आएगा, एक से चार को भाग करेंगे चार, दो से चार को भाग करेंगे दो, और चार से चार को भाग करेंगे एक, यानी एक आदमी का एक दिन का कार्य चार यूनिट है, और औरत का एक दिन का कार्य दो यूनिट है, तथा बच्चे का एक दिन का कार्य एक यूनिट है। पहले तो आप ज्ञात कर लीजिए कि कुल कार्य कितना है, कुल काम कितना है। चाहे तो एम की यूनिट इसमें रखिए, एम की यूनिट चार है, चार दूनी आठ, आठ किया चौबीस, यानी दो गुणा कुल कार्य ये था, कुल कार्य ये भी था और कुल कार्य ये भी था, अगर इसमें है तो एम की यूनिट रखेंगे, और एम एक दिन में चार यूनिट कार्य करता है, तो दो गुणा चार गुणा तीन, दो चौक आठ किया चौबीस यूनिट। चाहे W की यूनिट इसमें रख लेते, औरत की एक दिन का कार्य दो यूनिट है, तो तीन गुणा दो गुणा चार, तीन दूनी छः, छः चौक चौबीस, तब भी कुल कार्य चौबीस यूनिट आता। या बच्चे का एक दिन का कार्य एक यूनिट है, एक यहाँ रख लेंगे, चार गुणा एक चार, और चार छः चौबीस, तब भी चौबीस यूनिट कुल कार्य आता। अब प्रश्न में कहा गया है कि एक आदमी और दो बच्चे उसी काम को, एक आदमी प्लस दो बच्चे, एक मैन और दो चाइल्ड का एक दिन का कार्य है, का एक दिन का कार्य है, किससे निकालेंगे, एक गुणा आदमी का एक दिन का कार्य कितना है चार यूनिट, प्लस दो गुणा औरत का एक दिन का कार्य कितना है दो यूनिट, तो चार एकम चार, प्लस दो दूनी चार, और चार और चार कितना हो जाएगा आठ यूनिट, यानी एक आदमी और दो बच्चों का एक दिन का कार्य है, एक आदमी और दो बच्चों का एक दिन का कार्य हो जाएगा आठ यूनिट। तो कुल दिन कितने दिन उनको लगेंगे, देखिए कुल कार्य कितना था चौबीस यूनिट, और एक दिन में एक आदमी और दो बच्चे मिलकर आठ यूनिट कार्य करते हैं, तो आठ दिया चौबीस, यानी तीन दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। माफ कीजिए, यहाँ एक आदमी और दो बच्चे का एक दिन का कार्य निकालना है, तो एक गुणा आदमी का एक दिन का कार्य चार यूनिट है, प्लस दो गुणा बच्चे का एक दिन का कार्य एक यूनिट है, तो यहाँ रखा जाएगा एक इकाई। आदमी का एक दिन का कार्य चार यूनिट है, तो एक गुणा चार एक आदमी कार्य कर रहा है, प्लस दो बच्चे कार्य कर रहे हैं दो गुणा, और एक बच्चे का एक दिन का कार्य एक यूनिट है, तो यहाँ एक रखा जाएगा, चार एकम चार और दो एकम दो, तब ये हो जाएगा छः यूनिट कार्य, यानी एक आदमी और दो बच्चों का एक दिन का कार्य छः यूनिट हो जाएगा। और प्रश्न में ज्ञात करना है कि कार्य कुल कितने दिनों में होगा, यानी कुल कार्य तो था हमारा 24 यूनिट, और एक आदमी और दो बच्चे एक दिन में छः यूनिट कार्य करते हैं, तो 24 बटे छः यानी चार दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। एक और प्रश्न यहाँ दिया है कि छः आदमी और आठ औरतें किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें उसी काम को दो दिन में कर सकते हैं। ज्ञात करो कि 7 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो आदमी मतलब मैन M से इसे प्रदर्शित कर लेंगे, और औरत यानी वोमेन यानी W से इसको प्रदर्शित कर लेंगे। प्रश्न में दिया है कि 6 आदमी प्लस 8 औरतें किसी कार्य को 10 दिन में करती हैं, छः आदमी आठ औरतें कार्य को 10 दिन में करती हैं, जबकि 26 आदमी और 48 औरतें
प्लस 48 औरतें उसी काम को दो दिन में पूरा करती हैं, दो दिन में करते हैं काम वही है उसी काम को, यानी दोनों कार्य बराबर है। छः आदमी और 48, छः आदमी और 8 औरतें कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं उसी कार्य को, मतलब कार्य बराबर है 26 आदमी और 48 औरत दो दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले आदमी और औरत की कैपेसिटी यानी प्रतिदिन कितने यूनिट कार्य करते हैं ये ज्ञात कर लेंगे। गुणा करेंगे इसके अंदर, या तो गुणा कर लीजिए या दो से 10 को भाग आ जाएगा 5 बार, 5 के अंदर गुणा कर लीजिए, 5 छंग 30 एम प्लस 5 अठे 40 डब्लू बराबर 26 एम प्लस 48 डब्लू। अब 30 एम में से 26 एम घटाएंगे तो 4 एम बचेगा यहाँ, और 48 डब्लू में से 40 डब्लू उधर जाके घट जाएगा तो 8 डब्लू बच जाएगा, और 4 से 8 को दो बार भाग आ जाएगी एम बराबर 2 डब्लू। तो दोनों का एम का गुणांक 1 है यहाँ, डब्लू का गुणांक 2 है, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 2, 1 से 2 को दो बार भाग आ जाएगी और 2 से 2 को एक बार भाग आ जाएगी, यानी आदमी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट और औरत का एक दिन का कार्य 1 यूनिट है। पहले तो आप देख लीजिए कुल काम कितना है, इस इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड में M और W की यूनिट रख दीजिए, 6 गुणा M और आदमी का है एक दिन का कार्य 2 यूनिट प्लस 8 गुणा W और औरत का एक दिन का कार्य है 1 यूनिट, और ये सब मिलकर कार्य को करते हैं 10 दिन में। लेफ्ट हैंड साइड में M और W की यूनिट हमने रख दी, M की यूनिट 2 रखी, W की यूनिट 1 रखी, M की यूनिट 2, W की यूनिट 1, तो 6 × 2 = 12 प्लस 8 × 8 गुणा 10, 12 और 8 20, 20 दाही 200, 200 यूनिट कार्य है। चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने M और W की यूनिट रख दी या उधर रख देते, M की यूनिट रखते हम 2, 26 × 2 = 52 प्लस W की यूनिट रखते 1, 48 × 48 52 और 48 कितना हो जाएगा 100, 52 और 48 को जोड़ेंगे 100 और गुणा 2, 100 × 2 = 200, तब भी 200 यूनिट कार्य आता। अब ये देखिए कि प्रश्न में कहा गया है कि 7 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेगी। 7 आदमी और 3 औरतें, इनका एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, 7 आदमी और 3 औरतें का, तो 7 गुणा आदमी का जो कार्य है एक दिन का 2 यूनिट है प्लस 3 गुणा औरत का एक दिन का कार्य 1 यूनिट है, 3 × 3 = 7 × 2 = 14 और 3 × 3 ये हो जाएगा 17 यूनिट। एक दिन का कार्य इनका 17 यूनिट है, 7 आदमी और 3 औरतों का, क्योंकि आदमी का एक दिन का कार्य 2 यूनिट है, 7 × 2 = 14 और औरत का एक दिन का कार्य 1 यूनिट है, 3 × 3 = 14 और 3 = 17 यूनिट। तो दिनों की संख्या यानी कि इतने व्यक्ति कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, दिनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। कुल कार्य है हमारा 200 यूनिट और एक दिन में होता है 17 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे इसमें, तो 200 को 17 से भाग दे दीजिए, 17 × 17 बचेंगे कितने, या तो 200/17 लिख दीजिए या भाग करेंगे 17 × 17 बच गए 3, 30 हो जाएंगे, 17 × 17 फिर 13 भाग फल बचेगा बटे 17, इतने दिन में 11 से ही 13/17 दिन भी लिख सकते हैं। पिछले प्रश्न के जैसे ही एक और प्रश्न हमें यहाँ दिया है, 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं जबकि 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं, ज्ञात करो कि 2 आदमी और 3 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। प्रश्न में दिया है 12 आदमी, 12 गुणा एम मैन, 12 आदमी 18 औरतें प्लस 18 वुमेन किसी कार्य को 10 दिन में करती हैं और उसी कार्य को, यानी कार्य बराबर है, प्रश्न में कहा है कि उसी काम को 3 आदमी और 18 औरतें, 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में करती हैं, उसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ से पहले हम आदमी और औरत की यूनिट कैपेसिटी ज्ञात करेंगे कि एक दिन में कितने यूनिट कार्य करते हैं। पहले भाग कर लीजिए इसको, 2 से इसको 5 बार भाग आ जाएगा, 2 से इसको 6 बार भाग आ जाएगा, 5 के अंदर गुणा करेंगे 12 × 5 = 60 m प्लस 5 की इसमें गुणा करेंगे 18 × 5 = 90 w बराबर 6 की गुणा करेंगे 36 = 18 m प्लस 6 की गुणा इसमें करेंगे 18 × 6 = 108 w। अब 60 में से 18 m इधर आगे घट जाएगा तो 42 m बचेगा, 90 w उधर जाके घट जाएगा, 108 में से 90 घटाएंगे तो 18 w बचेगा। अब 6 से भाग कर लीजिए, 6
18 और 6 सते 42, 6 से इसको 3 बार भागा जाएगी, इसको 7 बार भागा जाएगी। अब 7 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 21, और 7 से 21 को भाग करेंगे 3 बार, यानी आदमी का एक दिन का कार्य 3 यूनिट हो जाएगा। और 3 से 21 को भाग करेंगे 7 बार, यानी औरत का एक दिन का कार्य 7 यूनिट हो जाएगा। पहले तो आपको ज्ञात करना है कुल कार्य, कुल कार्य ज्ञात करने के लिए या तो इस लेफ्ट हैंड साइड में आदमी और औरत की यूनिट रख दीजिए, एक दिन में कितने यूनिट कार्य करते हैं, चाहे राइट हैंड साइड में रख दीजिए, बात एक ही है। इसमें रखेंगे 12 गुणा एम, और मैन की कैपेसिटी 3 है, 3 यूनिट प्रतिदिन, प्लस 18 औरतें, 18 गुणा औरत की एक दिन की कैपेसिटी 7 है, और ये कार्य को करते हैं 10 दिन में, तो ये हो जाएगा 12 × 36 प्लस 18 × 7 = 126 गुणा 10, और जोड़ेंगे इनको 6 और 6 = 12 + 2 = 1 + 3 = 5 + 1 = 6 हो जाएगा 162 गुणा 10, यानी 1620 यूनिट कार्य हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया है कि दो आदमी प्लस तीन औरतें इनका एक दिन का कार्य है, तो 2 गुणा आदमी का एक दिन का कार्य है 3 यूनिट है, प्लस 3 गुणा औरत का एक दिन का कार्य 7 यूनिट है, 2 × 3 = 6 प्लस 7 × 21 = 27 यूनिट कार्य इनका एक दिन का हो जाएगा। तो दिनों की संख्या, यानी कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे दो आदमी और तीन औरतें, कुल है 1620 यूनिट कार्य है, और एक दिन में करते हैं वे 27 यूनिट कार्य है। 1620 को आप 27 से भाग करोगे, ये आ जाएगा 60 बार भाग, 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 12 और 4 = 16, 60 दिन में कार्य आपका पूरा हो जाएगा अगर उसको दो आदमी और तीन औरतें कार्य को करती हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ दिया है कि किसी काम को दो आदमी 3 दिन में तथा उसी काम को 3 औरतें 4 दिन में एवं उसी काम को 4 बच्चे 6 दिन में करते हैं। ज्ञात कीजिए कि एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आदमी मतलब मैन, यानी एम से इसको प्रदर्शित कर लीजिए, औरत यानी वुमेन डब्ल्यू से इसे प्रदर्शित कर लीजिए, और बच्चा चाइल्ड यानी सी से इसको प्रदर्शित कर लिए। प्रश्न में कहा है कि किसी काम को 2 आदमी 3 दिन में, 2 आदमी करते हैं इस कार्य को 3 दिन में, उसी कार्य को 3 औरतें करती हैं 4 दिन में, 3 औरतें करती हैं कितने दिन में 4 दिन में, तथा उसी कार्य को 4 बच्चे करते हैं 6 दिन में। सबसे पहले तो 2 × 6 इसकी गुणा में 6 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 डब्ल्यू और 6 × 4 = 24 सी हो जाएगा, और 6 से भाग कर लेंगे यहाँ तो एम बचेगा, 6 × 4 = 12 भाग करेंगे 2 डब्ल्यू और 6 से भाग करेंगे तो 4 सी आ जाएगा। एम का गुणांक 1 है, तो 1, 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 1, 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 से 4 को भाग करेंगे 4 बार, 2 से 4 को भाग करेंगे 2 बार, और 4 से 4 को भाग करेंगे 1 बार, यानी आदमी का एक दिन का कार्य 4 यूनिट, औरत का एक दिन का कार्य 2 यूनिट, और बच्चे का एक दिन का कार्य 1 यूनिट है। पहले तो आप कुल कार्य ज्ञात करेंगे, कुल कार्य चाहे तो इसमें M की यूनिट रख दीजिए, चाहे इसमें W की यूनिट, चाहे इसमें C की यूनिट, तीनों से कार्य बराबर ही आएगा। 2 गुणा M की यूनिट एक दिन की है 4 यूनिट कार्य करता है, गुणा 3, 2 × 4 = 24 यूनिट कार्य हो जाएगा कुल कार्य। चाहे आप इसमें W की यूनिट रख देते, W की यूनिट 2 है, औरत एक दिन में 2 यूनिट कार्य करती है, 3 × 6 = 24, तब भी 24 यूनिट कार्य आता, या बच्चे का एक दिन का कार्य 1 यूनिट है, यहाँ 1 रख देंगे, 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, तब भी 24 यूनिट कार्य आएगा, यानी कुल कार्य तो हो गया 24 यूनिट। और प्रश्न में कहा है कि एक आदमी दो बच्चे, एक आदमी एक औरत और 2 बच्चे, इनका एक दिन का कार्य पहले निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे, आपको एक एक दिन का कार्य दिया है, एक आदमी का 4 यूनिट है, तो एक आदमी का हो जाएगा 1 × 4 प्लस औरत का कार्य 2 यूनिट है, एक औरत है तो 1 × 2, और बच्चे का कार्य है 1 यूनिट और 2 बच्चे हैं, 2 × 1, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 2, 2 और 2 =
एक आदमी, आदमी का कार्य चार यूनिट, तो चार एकम चार। एक औरत, और औरत का कार्य दो यूनिट, दो एकम दो। और दो बच्चे कार्य कर रहे हैं, एक बच्चे का एक दिन का कार्य एक यूनिट है, तो दो बच्चों का हो जाएगा दो एकम दो यूनिट। चार दो छः और दो आठ यूनिट कार्य वो एक दिन में निपटाते हैं इतने लोग मिलकर। तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, प्रश्न में ज्ञात करना है दिनों की संख्या। कुल कार्य आपका 24 यूनिट है, और एक आदमी, एक औरत और दो बच्चे मिलकर एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं, तो 3 दिनों में 24 को 8 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 3 दिन में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हमारे टाइम एंड वर्क वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।